चाहिए, याद रखना। नहीं दूंगा मैं पैसे। इधर इधर इधर। ये किसको लेकर आया तू? तेरा ना रोना धोना मत कर, जो हुआ था ना वो बता। कितने बज रहे थे और तू कहाँ कैसे गई? काफी ज्यादा टाइम हो गया था रात को। वो मुझे छोड़ने के लिए मेरे फ्लैट पे गया था, पर उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। वो चला गया था वहाँ से, बट वो रुका नहीं। मैं मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने सोचा मैं अब ऑनर को फंसाती हूँ, इसलिए मैंने इनके ऊपर ये सारी बातें बोली। इसलिए मुझे पैसे चाहिए थे बस, और कुछ नहीं। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल से गोल्डन प्राइम। मैं आपका भाई गोल्डन यादव, और आज आप लोगों के सामने ये अंकल बैठे हुए हैं। और अंकल की क्या प्रॉब्लम है इतना बता दूं कि अंकल का एक क्लब है, ठीक है, और यहीं पे चलता है। एक लड़की ने मतलब क्या ही कर दिया है, मतलब सोचो कि पूरा बर्बादी कर दिया। एक बार सुन लो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अंकल जो भी हुआ बताना। यार मेरा क्लब है यहाँ पे, और क्लब के अंदर लड़कियाँ आती हैं, ड्रिंक करती हैं। अब ये लड़की ने इतनी ड्रिंक कर ली, इसको मना किया लड़कियों ने भी, आप ज़्यादा पी ले घर जाओ अपने, लेकिन नहीं मानी है। अब उसके बाद आके गले में पड़ गई, घर भेजो, हमने बोला तू जाओ, मतलब आपके पास आके बोल रही है। हाँ मुझे आके बोल रही है। फिर जाके उस सीढ़ी में बैठ गई। अब टाइम ओवर हो रहा है, बंद करना क्लब हमने, टाइम भी हो रहा है, पुलिस वाले भी आते हैं, हर बंदा आता है, हर तरह का आता है। अब ये शोर मचा, मुझे आगे सीढ़ी बैठ गई, सीढ़ी बेचारे की मैं घर भिजवाओ। तो मैंने अपने लड़के को बोला यार घर छोड़ो, उनको नजदीक कर दिया, कोई भी छोड़ो कोई बात नहीं। अब ये घर जाके अब लड़के से क्या बात हुई क्या नहीं हुई है, अब ये झूठ बोल रही है, लड़का झूठ बोल रहा है। और ये अगले दिन मेरे को फ़ोन करके कह रही है कि मैं आपको ब्लैकमेल करूँगी, मुझे पैसे चाहिए, ये चाहिए, मेरे पे आपने करवाया, ये कराया, ऐसे कराया, मतलब मेरे को बदनाम कर रही है, क्लब को बदनाम कर रही है इसके अंदर। और अब ऐसे पड़ेगी गले कि मैं फ़ोन करती पुलिस करती हूँ, मेरे पैसे दो, मैं आ रही हूँ, हल्ला कर रही हूँ, लोगों को बताऊंगी। मतलब क्या ऐसा किया था अपने लड़के से उस दिन पूछा नहीं क्या रात में क्या लड़का मना कर रहा है, ये करी लड़के ने जबरदस्ती करी है मेरे साथ, कोई कोशिश करी है, ऐसे बोल रही है, इल्जाम लगा रही है। वो क्या कह रही थी कि मेरे पास क्या सबूत है? कोई कह रही मैंने वीडियो कैमरा लगा हुआ, ये लगा वो लगा, क्या सीढ़ी पे जो कैमरा में लगा उसमें जाते जाते हैं लड़के हाथ लगा क्या लगाया, अब पता कितना सही कितना गलत है। पैसा मांग रही है, पैसा मांग रही, ब्लैकमेल कर रही मुझे। चलो ठीक है अंकल, उसको बोलना कि मैं पैसे दे रहा हूँ, तू आके ले जियो, ठीक है? ठीक गाइस, इनकी प्रॉब्लम सुनी, ठीक है, चाहे जितना भी टाइम लगे इंतजार करते हैं, अंकल से बोल देते हैं कि बार कॉल करके बोलो कि अंकल पैसा देने के लिए तैयार हूँ, एक बार आके मिल ले, ठीक है? बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, अभी जो भी सच होगा ना तुरंत अभी सामने आ जाएगा। बाकी आप बने रहना मेरे भाई। क्या बात है? बैठो, बात करनी है आपसे। बैठो, सही बात करनी है आपसे। तो बैठो, बैठ के बात होती है ना। अच्छा बैठो, बैठो बैठो बैठो, बात करनी है। बता, मैंने लड़के को इतना मारा, उसने कह रहा भाऊजी मैंने कुछ नहीं हाथ लगाया उसको उसने। इतना मारा है, और मैं तुम्हारे पे भी ना हाथ उठाने में डरूंगा, समझ गया ना? हाँ, मेरे ऊपर हाथ उठाएगा, मैं कह रहा हूँ, बस सोच लो इस बारे में। जानते नहीं मैं क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, सोच लो बस बस। मैं उस लड़के को इतना मारा, भगा दिया उसको मैंने, लड़का भी कुछ नहीं कर पाया, ना कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें एक रुपया नहीं दूंगा, समझ गई ना? हाँ, इतने केस रखूंगे तो दो मिनट में, दो जो मैं कर लो, मैं तुम्हें एक रुपया नहीं दूंगा, ना एक रुपया नहीं दूंगा, दो मिनट में क्लब बंद हो जाएगा, याद रखना मेरी बात। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, ब्लैकमेल किया है फिर किस चीज के पैसे? क्या क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? बहुत प्रूफ है मेरे पास। क्या प्रूफ है? बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। क्या कर सकती हूँ आप जानते नहीं? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, समझ गए ना? समझ गए ना? बस मैं हाथ उठाने से डरूंगा नहीं, पीछे एक मार दूंगा। बस तो बेवड़ी में घूम रही थी, तेरे को शाफा से घर पिंचवा दिया लड़के के थ्रू, है ये मतलब सुनो होता है? कुछ क्यों नहीं करेगी, कुछ क्या करेगी? मेरी मर्जी, उसी तो बेवड़ों की तरह घूम रही थी, हमने इज्जत से लड़की समय घर पहुंचा दिया, और तुमने हमारे पे इल्जाम लगा दिया। केस में फंसाऊंगी ना, याद रखोगे हमेशा। कुछ नहीं कर सकती मैं, अभी अभी वो हो सकती हूँ मैं। चल चल यहाँ से, चल बाहर यहाँ से, चल जा। क्या क्या पैसे चाहिए मुझे? किस बात के पैसे दूँ? किस बात के पैसे? किस बात के दूँ? याद दिलाऊँ सब कुछ? हाँ बता, क्या प्रूफ है तेरे पास? सब कुछ, बहुत प्रूफ है मेरे पास। कितने पैसे चाहिए तेरे को? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख उकात है तेरी? मुझे 5 लाख रुपए। 5 लाख की उकात है तेरी? औकात? औकात तो अभी 5 लाख की उकात है? अभी मेरी कितनी औकात है? तू औकात ही दिखा ले, पैसे नहीं है मेरे पास। मैं केस ठोकूंगी, दो मिनट में बंद हो जाना है। एक चीज बता, क्या लड़के ने कुछ किया नहीं है? क्या किया लड़के? चल बता। भले उसने कुछ ना किया हो, कुछ ना किया हो, भले उसने कुछ ना किया हो, मेरे पास बहुत प्रूफ है उसके। अच्छा, बहुत प्रूफ है। अच्छा, आप जानते नहीं मैं क्या कर सकती केस में, एक मिनट में फंसा दूंगी, एक मिनट में आपका क्लब बंद हो जाएगा, सबके ऊपर इतने केस ठोकूंगी ना, याद होगी। जब लड़के ने मना ही कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, हाथ नहीं लगाया, नहीं मैं एक रुपया नहीं दूंगा। मुझे तो 5 लाख रुपए चाहिए, मैं एक रुपया नहीं दूंगा। ठीक है, तैयार हो जाओ फिर। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे जो करना है जो करना कर लो। 5 लाख रुपए चाहिए ना, कैसे तू चल चल यहाँ से, क्यों नहीं देगा 5 लाख रुपए? नहीं, रुपया नहीं दूंगा, मुझे पैसे चाहिए, 1 रुपया नहीं दूंगा, पैसे चाहिए, 1 रुपया नहीं दूंगा, बार बोल रही हूँ, नहीं दूंगा 1 रुपया भी, नहीं है मेरे पास। लास्ट बार बोल रही हूँ, लास्ट बार, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, पैसे चाहिए, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है देने के लिए, पूरा नहीं दूंगा, जबरदस्ती पैसे चाहिए, याद रखना, नहीं दूंगा मैं पैसे।
ये बताएगा ना कौन है? बोलो, ये खुद बताएंगे ना कौन है? क्या कर रही है बताना एक बार। ये यार हमारा एक छोटा क्लब है, क्लब के अंदर लड़के लड़के आते हैं, रात को इसने ज्यादा ओवर ड्रिंक कर ली, ओवर ड्रिंक के बाद पीछे पड़ गई, पीछे पड़ गई कि घर पहुंच जाओ घर पहुंच जाओ है? ये पीछे पड़ गई कि घर पहुंच जाओ घर पहुंच जाओ घर पहुंच जाओ। मैंने लड़के हाथ की लड़का भेज दिया कि जाओ घर छोड़ो, इसने लड़के पे इल्जाम लगा कि मेरे लड़के ने करा ये करा वो करा और ब्लैक 5 लाख मांग रही है, ब्लैकमेल कर रही है मुझे। मैं एक रुपये दूंगा तुझे। लड़के ने तेरे साथ कुछ किया था? 1 रुपये नहीं दूंगा उसको मैं। जितना पूछ रहा हूँ उतना सही से बताइए। बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है। क्या प्रूफ है तेरे पास? है मेरे पास प्रूफ। मेरे लड़के मार में क्या किया बताइए, बता क्या किया? मेरे पास सारे प्रूफ हैं उसके। क्या किया है बता? कैमरे में कैप्चर है उसका। क्या कैप्चर है? कैमरा। वो मुझे हाथ पकड़ के सीढ़ी से लेके गया तो उसने सब बहुत कुछ किया। सही सही बोल दे, नहीं तो सही सही बुलवा दूंगा। लड़के से आपने पूछा? अंकल मैंने मार मार के उसके उधेड़ दिया। उसने कहा बाबू जी मैंने आपका इतना पुराना बंदा हूँ, मैं इतना इतना पुराना नौकर हूँ आपका, मैं काम कर ही नहीं सकता। ये मुझे अपने लड़के पूरा भरोसा है। खड़ा रही हो अभी तुझे अभी तक कैसे? मैं मेरे लड़के पर सब पे भरोसा है और ये ब्लैकमेल कर रही है मुझे, 5 लाख मांग रही है मुझे। 5 लाख रुपए चाहिए। किस बात का? 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे। एक फुटी कोड नहीं दूंगा। एक रुपया नहीं मिलेगी। एक बात बता, इंसानियत दिखाया उतनी रात को तुझे ले जाकर घर पहुंचवाया? हम पहुंचवाते, हमारा काम नहीं पहुंचवाना। हाँ। स्पेशल मैंने, चलो कोई बात नहीं, लड़की है कोई भी ज्यादा होगी, ओवर ड्रिंक होगी, चलो इसने जा तो फोन ब्लैकमेल कर रही है। इंसानियत दिखाई इन्होंने, मुझे करना है। ओ एक बात बता, इनके ऊपर झूठा क्यों क्यों लगा रही है? इतना अच्छा काम किया तुझे घर तक पहुंचाया, लेके जाता फिर क्या? एक बात बता, इधर बैठ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बैठ। ओ सुन सुन सॉरी, एक बात बताऊँ? एक बात बता, उस दिन कोई और लेके जाता ना, फिर तेरे साथ कुछ गलत हो जाता, तब तुझे पता चलता क्या होगा? तुम दोनों के अभी कपड़े कपड़े फाड़ के ना आपका केस ठोकूंगी। देख ले तेरे सामने देख। अरे इधर पागल वगल है क्या? खड़ा क्या पागल है? पागल वगल है क्या? खड़ा यहाँ पे, खड़ा रहा यही करूंगी मैं। दोनों खड़ा रहा यहाँ पे खड़ा रहा। और मैंने कैसे झेला उस दिन मैं जानता हूँ। रात भर और बात बताओ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। भाग नहीं पाएगी, बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्या करेगी? चल तू बता, करेगी क्या? मैं केस ठोक सकती हूँ तुम दोनों के ऊपर। क्या केस ठोकेगी? एक बात बता, क्या केस? दोनों ने मेरे साथ छेड़खानी किया है, छोड़ूंगी नहीं मैं। अब 5 लाख जिसको लेकर आया ना, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब तो सुन, 5 लाख रुपया दे, छोड़ देगी। मुझे 5 लाख रुपये चाहिए। एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, इसको देनी है। इधर अब तेरे प्लेन में गा रही, देख ले। कोई ना 5 लाख रुपया तुझे चली जाएगी ना? हाँ बिल्कुल पक्का। 5 लाख रुपये चाहिए। और बात बता रहा हूँ, सुन ले। 5 लाख रुपये चाहिए मुझे। बात कर वहाँ। अपने माँ बाप को बुला, तुझे 5 लाख रुपया देते हैं। बुला। क्यों? अरे बुला तो वो सही। क्या करेंगे? बुला तो सही। वो क्या करेंगे? नंबर बताइए। क्या करेंगे वो? बता। क्या करेंगे वो? नंबर बोल, बोल रहा ना नंबर वो। अपने माँ बाप का नंबर बोलिए। मुझे नहीं बताना। हाँ कोई नंबर नहीं है उनके पास, कोई फोन नहीं है उनके पास। क्यों? उनसे क्या है? एक बात बता, क्या तेरी बात है? क्या बात है? मुझे पैसे चाहिए, मुझे कुछ। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे। एक रुपया नहीं दूंगा, कोड़ी नहीं दूंगा। नहीं मिलने वाला। अब तू बता दे क्या करेगी। अब तू बता दे क्या करेगी। तुम दोनों के केस करेंगे ना? जा केस कर दे। अभी पुलिस कंप्लेंट करूंगी, देख लेना। जा कर दे। मैं कर 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 पैसे नहीं देगा। एक रुपया नहीं दूंगा। कैमरा लगा रखा, बैठ इधर, बैठ सीधा, बैठ सीधा, कैमरा तो नहीं। अंकल इधर आओ, इधर आओ। बताओ कि उस कितने बज रहे थे रात के? ओ सीधा बैठ। उस टाइम 12:15 ना तक मत कर, 11 बजे क्लब बंद हो जाता है। खड़ा हो ये पे, सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे, थप्पड़ मारूंगा। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, जो जो बोलिए ना, सीधा खड़ा रहे। ओ प्लीज, कैमरा ऑफ करो। कैमरा ऑफ नहीं होने वाला। एक बात बताओ अंकल, कितने बज रहे थे उस टाइम? उस टाइम 11:30 बज रहे थे, जब 11 ऑफिस बंद क्लब बंद कर देते हम लोग हैं, और ये 12:15 सीढ़ी पे बैठी रही। और रात के कितने बज रहे बताओ? लड़की हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, ये हाथ नीचे कर, ये हाथ नीचे कर। छुड़वाया इसलिए चलोगे रास्ते में, गलत काम ना हो जाए। ठीक है, अब नहीं होगा। एक शराफत से हमने भेजने का ये मतलब थोड़ा होता है। कुछ नहीं होगा, काम ऑफ करा दो। शांत हो जा, बोल लो ना। अभी अभी मैं फैसला करूंगा क्या करना है क्या नहीं। एक बात बता, इंसानियत के नाते घर छोड़े थे ना उस दिन, क्या हुआ था? अब तो अपने अपने मुंह से सच बोल। चल बोल, बोल। सॉरी। सॉरी मुझे कितना हैरेसमेंट हुआ है। सॉरी नहीं सुनना है मेरे को। इस उम्र में कितना हैरेसमेंट हुआ है सुन। पहले क्या हुआ था उस दिन बता।
सॉरी कैमरा के सामने बता क्या हुआ था उसे। सॉरी मुझसे गलती हो गई, प्लीज हुआ क्या था ये बता, क्या हुआ? चल कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑफ है, चल कैमरा ऑफ है। अरे मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो वैसे भी नहीं मिलने वाले, पैसे तो वैसे देने कर। तू झूठा जो केस लगा रही थी ना उसके प्रति हमारे पास सबूत हो गया, तू इतना बता दे उस रात हुआ क्या था, लड़का तुझे घर लेके गया था? ना रोना धोना मत कर, जो हुआ था ना वो बता, कितने बज रहे थे और तू कैसे गई? काफी ज्यादा टाइम हो गया था रात को, वो मुझे छोड़ने के लिए मेरे फ्लैट पे गया था, पर उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, वो चला गया था वहाँ से, बट वो रुका नहीं, मैं मुझे पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने सोचा मैं अब ऑनर को फंसाती हूँ, इसलिए मैंने इनके ऊपर ये सारी बातें बोली, इसीलिए मुझे पैसे चाहिए थे बस, और कुछ नहीं, बस यही सब कुछ हुआ, इसीलिए मैंने सोचा मैं ऑनर से पैसे लेती हूँ, मुझे सब पैसों की बहुत ज़रूरत थी इसलिए मैं पैसे लेना चाहती थी। सॉरी तुमने लड़की को ना बदनाम कर रखा है, घर पहुंचवाने के आज के तो किसी लड़के को भेजोगे नहीं घर पे, तुम्हारी गलती से मैं लड़के को पीटा अपने, हैं इतना पुराना वर्कर था मेरा वो, मैं हरासमेंट हो गया, सॉरी अंकल, मेरी उम्र कितना हरासमेंट हुआ, मैं मेंटली कितना डिस्टर्ब हो गया आपके बातों से, और रही बात सुन लो मेरी बात, फंसाने की कोशिश की ना सब कुछ रिकॉर्ड हुआ कि लड़का तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, चले जाओ आज के बाद कॉल मत करते ना, सॉरी तो यहीं से थाना लेके चलता, लेकिन अभी छोड़ रहा हूँ कुछ घूम के, चलो सॉरी। सो गाइस आपने वीडियो देखी और वीडियो मैंने गलत किया कि सही किया कमेंट करके बताओ मेरे भाई, और आपने देखा यार मैं क्या ही बोलूं अंकल, आपकी प्रॉब्लम जहां तक लग रहा है मुझे सॉल्व हो गई, ठीक है कभी भी वो आज के बाद परेशान कर रही है आपको कॉल की बेटा, ये तो आप लोगों का चलो कैमरे की वजह से बात हो गई थी, चलो हो गया, नहीं तो ऐसी लड़कियाँ कितना फायदा उठाती हैं जिंदगी के अंदर, एक एक, एक शरीफ आदमी को नहीं थी और आपके ऊपर बिल्कुल भी लिहाज, देखो हाथ तक उठा रही है मेरे पे, देखो और हमने कोऑपरेट किया है उसको घर तक पहुँचाया है, उसको लड़का छोड़ के आया है, उसको हमारे क्लब को बदनाम कर रही है, बंद करवाने चक्कर में लग गई, मतलब पैसे मांग रही है, क्या इंसानियत रहेगी आज की डेट, किस पर विश्वास करे आदमी? कोई नहीं अंकल, देखो आज के बाद आपको कोई भी परेशानी वरेशानी होती है तो आप हेल्प ले, ठीक है बेटे, ठीक है ठीक। गाइस ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो, मैंने गलत किया कि सही किया कमेंट करके बताओ मेरे भाई, और अगर आपके आसपास किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो, बाकी ऐसे मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, बाय बाय।